बिहार के गया पहुंचे जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने महागठबंधन पर उसके ही घटक के द्वारा बयानबाजी करने पर जमकर बरसे। पप्पू यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को थूक फेंक कर चाटने की आदत वाला बताया और कहा कि वो 5 महीना चले गए थे, फिर पार्टी क्यों ज्वाइन किया। वहीं जोशीमठ मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल खड़े किए। गया के खिजर सराय में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर एक विश्वास जगा था, लेकिन अब वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया वाली हरकत हो गई है। नेता पर गाली गलौज और उन्हें औकात दिखाया जा रहा है। आखिर सुधाकर सिंह को आरजेडी क्यों नहीं निकाल रही। नीतीश लालू ने गठबंधन किया किंतु गठबंधन के नेता को 3 महीने से गाली दी जा रही है, शिखंडी तक कहा जा रहा है। आरजेडी के लोग जगदानंद सिंह हो या सुधाकर सिंह, शिक्षा मंत्री या कोई और, क्यों जेडीयू पर और आसपास में ऐसी बयानबाजी की जा रही है। नीतीश तेजस्वी मौन है, सब बोल रहे हैं, इससे बिहार की गलत मैसेज जा रहा है। यही हाल रहा तो 2024 के चुनाव में कुछ नया नहीं होगा। वहीं भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदू हिंदू करते हैं, लेकिन जोशीमठ में देखें क्या हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। जोशीमठ आध्यात्मिक हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली केंद्र है, जहां शंकराचार्य बैठा करते थे। यहां के संबंध में उन्होंने माफियाओं के संबंध में जिक्र किया और कहा कि इसके बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मस्त हैं। गुस्सा तो वहां से हुई, आपने नौकरी नहीं दिया, आपके कमिटमेंट में है। आपने हॉस्पिटल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने स्कूल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने मॉल नहीं बनाया, आपके कमिटमेंट में है। आपने पैसा नहीं दी और उसके बाद लाठी गोली चला दी। इतनी बड़ी गुंडाई, केंद्र सरकार पैसा नहीं दिया तो आपकी कमेटी क्या कर रही थी। FIR लॉज होना चाहिए इन विधायक MP लोगों पर, और जांच का विषय है। शिवानंद भाई, जगता भाई, बाप बेटा, आंख मत दिखाइए। और चौधरी जी, अशोक बाबू, प्लीज, एक उम्मीद और सपना था महागठबंधन से। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक विश्वास जगा था कि बदलाव होगी। खोदी पहाड़ निकला चुहिया, फिर चुहिया की चुहिया। हम आपस में विवाद कर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारे नेता पर आप गाली गलौज, डेली शिखंडी, डेली औकात दिखा रहे हैं आप। क्यों अभी तक सुधाकर सिंह को आरजेडी नहीं निकाल रही है? आप कह रहे हैं नीतीश जी और लालू जी से गठबंधन है ना? बिल्कुल है। तो फिर गठबंधन के नेता को लगातार 3 महीने से गाली क्यों? फिर आरजेडी के लोग, चाहे जगदानंद हो, चाहे शिवानंद भाई हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे कोई एक MLA, लगातार हमला क्यों जदयू पर और आपस में, और एक आस्था पर क्यों हमला बार बार? नीतीश कुमार तेजस्वी जी चुप है, मौन है। क्यों क्यों मौन है? और सब बोल रहे हैं क्या? ये पूरे बिहार में गलत संदेश नहीं जा रहा है क्या? आप इसे 2024 बदल लेंगे? ड्रॉप करिए ऐसे विधायक, ऐसे नेता को। जगदानंद भाई को तो 1 मिनट भी थूक फेंक करके चाटने की आदत, 5 महीना वो चले गए थे, फिर क्यों ज्वाइन किया आरजेडी? भारत में 200 किसान मरे, कहा था बाप बेटा, कहा था? सिंचाई विभाग को सबसे ज्यादा चौपट जगदानंद ने किया, कहा था जगदानंद भाई? फिर क्यों महागठबंधन को यह कमजोर करने में लगे? क्यों, कौन है इन लोगों के पीछे? बड़ी गहरी साजिश है। क्या बीजेपी की तरफ आप गई सर? सर आप बीजेपी को देखिए ना, सुधाकर गया कहां से था? 4 करोड़ का मिलर्स का रुपया सुधाकर पर गमन का आरोप है, जेल गए थे। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल,
जहां इमरजेंसी सुविधा आईसीयू एचडीयू ओटी डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का आईटीआई एनएच 31 सुशील नगर बेगूसराय।